प्रदेश में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इसका ऐलान किया है। कल मध्य प्रदेश और गुजरात बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षा रद्द हुई थी। टीवी 9 भारतवर्ष ने राज्यों की परीक्षा पर सवाल उठाए थे। देखिए, हम लोग ने पूरी तैयारी करके रखी थी पहले से ही कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण चूंकि हमने ऑनलाइन टीचिंग की भी व्यवस्था में पूरी जो ऑनलाइन टीचिंग की तैयारी थी कोर्स शेड्यूल को पूरा किया था, और पहले से ही हमने जो पेपर सेटिंग किया था उसमें 30% कम कोर्स करके पेपर को बनाया गया था। लेकिन इधर तेजी के साथ में जो द्वितीय लहर थी कोरोना संक्रमण के कारण बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित हुए कई क्षेत्र, कई शहर, और अभी भी जो कोरोना संक्रमण है उसको जाने में पूरी तरीके से नियंत्रित होने में कुछ समय लग सकता है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा करने के बाद CBSE बोर्ड में उन्होंने 10वीं और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूंकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि हाई स्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे, आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री